हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम जानेंगे ईसीजी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, मतलब कि कौन सी रिपोर्ट में क्या गिवन होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पर देखिए, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको एक पेपर पे, मतलब कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये होता है हमारा हार्ट। इसमें होते हैं चार चैम्बर, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल या एट्रियम, तो राइट ऑरिकल या एट्रियम के एपेक्स पर, मतलब के ऊपर, यहाँ पर देखिए ऐसे नोड होता है। उसके बाद होता है एबी नोड, फिर होता है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस के बाद होता है पुर्किंजे फाइबर्स। तो यहाँ पर देखिए ऐसे नोड जो होता है वो हार्ट का पेसमेकर कहलाता है। इसको हार्ट का पेसमेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो ऐसे नोड से ही जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे नोड से जनरेट होते हैं, ऐसे नोड के बाद जाते हैं ए बी नोड पर, ए बी नोड के बाद जाते हैं ये बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस के बाद ये पहुँच जाते हैं पुर्किंजे फाइबर्स में। ओके, तो ये रूट होता है इसके इम्पल्स कंडक्शन का। अब यहाँ पर हार्ट में इम्पल्स कंडक्शन के द्वारा ग्राफ में कुछ वेव्स बनती हैं, जिनको हम पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पी वेव कब जनरेट होती है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है या टी वेव कब बनती है? जब यहाँ पर आर्ट्रियल कंट्रेक्शन होता है, मतलब कि एट्रियम सुकड़ता है, जिसको हम एट्रियल डिपोलराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तब यहाँ पर पी वेव बनती है। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन होता है, मतलब कि वेंट्रिकल्स ये सुकड़ जाते हैं, मतलब कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, तब बनता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद टी वेव, तो टी वेव कब बनती है? जब इन वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन होता है, मतलब कि ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं देखिए फूल जाते हैं, मतलब कि रिलैक्स होते हैं, तब बनती है टी वेव। तो इस तरह से पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव यहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। यहाँ पर ईसीजी में टोटल 12 लीड्स होती हैं, जो कि 12 डिफरेंट एंगल से हार्ट की एक्टिविटी को चेक करती हैं। तो यहाँ पर 6 लीड्स होती हैं हेजेक्सियल और 6 होती हैं प्रीकॉर्डियल। तो यहाँ पर हेजेक्सियल लीड में आती हैं लीड 1, लीड 2 और लीड 3 एंड ABF, ABL और ABR। तो यहाँ पर ABL, ABF और ABR को ऑगमेंटेड लीड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हेजेक्सियल लीड जो है देखिए अलग अलग एंगल से हार्ट की एक्टिविटी को चेक करता है, जबकि यहाँ पर प्रीकॉर्डियल लीड्स जो होती हैं हार्ट की एक्टिविटी को बिल्कुल फ्रंट से, मतलब के सामने से इसकी एक्टिविटी को चेक करती हैं। तो इसी वजह से B1 से लेकर B6 को चेस्ट के बिल्कुल फ्रंट पर ये इस टाइप से लगाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ केस देख पा रहे हैं। पहला केस है नॉर्मल साइनस रिदम का। तो नॉर्मल साइनस रिदम में जो हार्ट बीट होती है वो 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होती है, जबकि देखिए ब्रेडिकार्डिया के केस में क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हार्ट रेट अगर 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं, और अगर हार्ट रेट अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम ट्रेकिकार्डिया के नाम से जानते हैं। आता है एरिदमिया। एरिदमिया का केस देखिए कहाँ पर देखने को मिलता है, जब हार्ट रेट एकदम से फास्ट हो जाए या एकदम से कम हो जाए तो इसको हम एरिदमिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम ईसीजी रिपोर्ट को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये टैकीकार्डिया का केस है, ब्रेडिकार्डिया का केस है, या नॉर्मल साइनस रिदम का केस है, या एरिदमिया का केस है? तो यहाँ पर देखिए हमको गिनना होता है आर और आर के बीच में जो बड़े बॉक्स हैं उनको यहाँ पर गिनना होता है। अगर इन बॉक्स का नंबर 4 से लेकर 4.5 तक होता है तो ये नॉर्मल साइनस रिदम का केस होता है। अगर इन बॉक्स का नंबर 4 से कम होता है तो ये टैकीकार्डिया का केस होता है, जबकि इसका नंबर 4.5 से ज़्यादा, मतलब लगभग 5 हो 6 हो, तब ये ब्रेडिकार्डिया का केस होता है। और यहाँ पर देखिए आर और आर इंटरवल कभी शॉर्ट हो जाए और कभी लॉन्ग हो जाए, इसको हम एरिथमिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले केस में
आर और आर के बीच में कितने स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन और लगभग चार स्क्वायर हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल साइनस रिदम का केस है। जबकि सेकंड वाले केस में आर और आर के बीच में देखिए कितने लार्ज नंबर ऑफ स्क्वायर हैं। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः लगभग हैं। तो चार और साढ़े चार से ज़्यादा है। इसका मतलब ये ब्रेडिकार्डिया का केस हुआ। नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्क्वायर देखिए कितने हुए। यहाँ पर देखिए एक दो तीन, लगभग यहाँ पर तीन साढ़े तीन स्क्वायर हैं। इसका मतलब ये चार और साढ़े चार से कम है। इसका मतलब ये ट्रेकिकार्डिया का केस है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक ECG रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए 12 लीड दे रखी है, जैसे कि B1, B2, B3, B4, B5 और B6 और ABR, ABL, ABF, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये टोटल यहाँ पर देखिए 12 लीड्स गिवन है। और यहाँ पर ये होती है देखिए रिदम स्ट्रिप। तो हमको ECG रिपोर्ट की रिदम स्ट्रिप देखनी होती है। अब यहाँ पर रिदम स्ट्रिप में आर और आर के बीच में नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर गिनने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर और आर के बीच में नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने हैं। तो कितने हैं, लगभग एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो ये चार साढ़े चार से ज़्यादा है। इसी के कारण ये ब्रेडिकार्डिया का केस हो जाता है, मतलब कि हार्ट बीट यहाँ पर देखिए स्लो हो जाती है। वैसे ही देखिए दूसरी ECG, दूसरी ECG की ये रिदम स्ट्रिप है। यहाँ पर आर और आर के बीच में नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने होंगे। तो यहाँ पर कितने लार्ज स्क्वायर हैं, एक दो ढाई। तो यहाँ पर लगभग 2.5 बड़े स्क्वायर हैं। तो इसका नंबर चार और साढ़े चार से कम है। इसका मतलब ये ट्रेकिकार्डिया की ECG है, मतलब यहाँ पर हार्ट रेट जो होती है वो 100 से भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट ECG रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर ये रिदम स्ट्रिप है। अब यहाँ पर रिदम स्ट्रिप में आर और आर के बीच में नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर फिर से गिनने होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने हैं, एक दो तीन चार, चार साढ़े चार, लगभग चार साढ़े चार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल साइनस रिदम रिपोर्ट है। नॉर्मल साइनस रिदम रिपोर्ट मतलब कि यहाँ पर जो हार्ट बीट है वो 60 बीट पर मिनट से 100 बीट पर मिनट है। अब बात कर लेते हैं राइट एक्सिस डेविएशन की। तो राइट एक्सिस डेविएशन में जो फर्स्ट लीड होती है वो निगेटिव होती है, जबकि ABF लीड जो होती है यहाँ पर वो पॉजिटिव होती है। उसके बाद लेफ्ट एक्सिस डेविएशन जो कि राइट एक्सिस डेविएशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट लीड होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि ABF लीड जो होती है यहाँ पर वो निगेटिव होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ST एलिवेशन। ST एलिवेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये QRS कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद यहाँ पर होती है देखिए टी वेव। तो यहाँ पर देखिए एस वेव का ये पॉइंट और टी वेव का इनिशियल पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम ST सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अगर ये ST सेगमेंट जो होता है ये अपनी जगह से ऊपर उठ जाता है, मतलब कि एलिवेट हो जाता है, तो इसको हम ST एलिवेशन के नाम से जानते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठ जाना। तो ST एलिवेशन कब देखने को मिलता है या इसका क्या कारण होता है। अगर देखिए मायोकार्डियम इस्चीमिया का केस हो जाता है, या मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन का केस हो जाता है, या हार्ट अटैक का केस हो जाता है, तब हमको ST एलिवेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको ब्लड जो है वो पहुँचना बंद हो जाता है। अब जैसे ही हार्ट की मसल को ब्लड पहुँचना बंद हो जाता है तो जैसे कि हम जानते हैं ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हार्ट की मसल को अगर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल पाता है तो हार्ट की मसल जो होती है यहाँ पर वो डैमेज हो जाती हैं। अब हार्ट की मसल यहाँ पर डैमेज हो जाती है, उसके बाद डैमेज होने आने के बाद ये डेथ हो जाती है। डेथ मतलब कि नेक्रोसिस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी को हम बोल देते हैं हार्ट अटैक। तो यहाँ पर देखिए ये ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है, ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में।
या हम इसको एरिदमिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे नोट्स हैं ए बी नोट की तरफ जो इम्पल्स जाते हैं वो सटीक ढंग से मतलब कि ठीक ढंग से यहाँ पर देखिए ये सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर एट्रियम में इस टाइप से देखिए यहाँ पर लूप सी बन जाती हैं। तो यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल्स में सही ढंग से देखिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है जिसके कारण एरिदमिया का केस यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर आर और आर इंटरवल एकदम से शॉर्ट हो जाएंगे या आर और आर इंटरवल एकदम से लॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिदम स्ट्रिप है। तो रिदम स्ट्रिप में यहाँ पर देखिए आर और आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कम है और यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है और फिर ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर ये होती है यहाँ पर देखिए पी वेव नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी पी वेव नहीं बनेगी।